परम आदरणीय स्वामी जी, परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, आदरणीय रजत शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी और समस्त विशिष्ट अतिथि अतिथिगण, संपूर्ण गोरखा आमा बुबा दाजु भाई दीदी बहनी सबैलाई ज्ञान अभिवादन। म आफैलाई गर्व महसुस गर्छु आज यस यति ठुलो कार्यक्रममा तपाईहरुका समक्ष आउने मैले मौका पाएँ। सम्पूर्णलाई हरतालिका तीजको धेरै धेरै शुभकामना। म आफैलाई गर्व महसुस गर्छु, म दार्जिलिङको सांसद हुँ। म आफैलाई गर्व महसुस गर्छु, म नेपाली भाषा बोल्ने एउटा गोर्खेको छोरो हुँ। हामीले आफ्नो भाषा, आफ्नो परम्परा र आफ्नो कलामाथि गर्व गर्नुपर्छ। यही परम्परा हो, यही संस्कृति हो, यही भाषा हो तपाईँ र हामीलाई जोडेर राख्ने। र यस भारत देशमा गोर्खा समाजको ठुलो योगदान छ। चाहे त्यो देशलाई स्वतन्त्रता गराउनको लागि हो, या भारतको संविधान लेख्दाखेरिको हो, या आजको समृद्ध भारत हो, सम्पूर्णमा गोर्खा समाजको ठुलो योगदान छ। र म चाहन्छु, भारत सरकारसँग पनि म बार बार आह्वान गर्छु, गोर्खा जातिले पनि भारतको संविधानको अन्तर्गत न्याय पाएको हुनुपर्छ। और मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, कई बार मुझे लगता है कि हम जनसंख्या में बहुत थोड़े हैं, कोई हमारी आवाज़ को सुनेगा भी या नहीं, हमें न्याय मिलेगा भी या नहीं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब साथ साथ स्वामी जी आपके साथ खड़े हो, आपके समाज के साथ खड़े हो, हमारे समाज के साथ खड़े हो, गोरखा जाति को न्याय अवश्य मिलेगा। मुझे आप पे और प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है। इस कार्यक्रम में बुलाया और आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।